Listen, why couldn't they enter in? Why do some people not enter in? और कुछ लोग क्यों उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते? Because they're cowards. क्योंकि वो डरपोक हैं. They let fear rule their life instead of God. वो अपने जीवन के अंदर भय की अभय को अनुमति देते हैं. I'm concerned. और मैं ऐसे बहुत because even around this message. Concerned हूँ क्योंकि इस संदेश के अंदर. We've got some cowards. कि इस संदेश के अंदर भी कुछ डरपोक हैं. Cowards in the pulpit. और पुलपिट के अंदर भी डरपोक हैं. Cowards in the home. और घर के अंदर भी कुछ डरपोक हैं. They teach their kids to surrender to the devil. और वो अपने बच्चों को शैतान के हवाले कर देते हैं. But God give us some men. लेकिन परमेश्वर ने हमको ऐसे मनुष्य दिया है. God give us some leaders. और परमेश्वर हमको ऐसे कोई लीडर्स को दे. They're not concerned for their own life. वो जो अपने जीवन की सिर्फ परवाह नहीं करते. They're like the Apostle Paul. और मैं पौलुस अपोस्टल को बहुत पसंद करता हूँ. He said, "No matter what happens." और वो कहता है कि कुछ भी होने दीजिए. Whether it's imprisonment. और जब बंदी ग्रुप है. Even if it's death. और मृत्यु भी हो. None of these things move me. और ये सारी चीजें मुझे कभी हिला नहीं सकती. I don't hold my own life dear. और मेरे जीवन को मैं ऐसे बहुत My own life is not important to me. I'm not afraid. और मैं डरता नहीं. I've already been crucified. और मैं क्रूस पे भी चढ़ा. I'm crucified with Christ. और मैं मसीह के अंदर क्रूस पे चढ़ाएगा. Nevertheless, I live. और वो मैं नहीं जीता, लेकिन वो मुझ में होकर जीता है. It's not me. वो मैं नहीं. It's not you. वो आप नहीं है. It's Christ that lives in me. मसीह जो हम में है. Death, where is my sting? ग्रेव तेरा जय कहाँ पर है? You've got no power over me. तेरे पास में कोई सामर्थ्य नहीं बचा. Fear has no power over me. और अधरों के पास में कोई सामर्थ्य नहीं बचा. We live in an age. अब ऐसे युग में जी रहे हैं. People are cowards. जहाँ पर लोग डरपोक हैं. They'll tell you their opinion on politics. और आपके उनका मत देंगे जो पॉलिटिक्स के बारे में है. They'll tell you who their favorite football team is. और वो बता सकते हैं आपको फुटबॉल टीम कौन कौन सी है. They'll tell you how they voted in an election. और आपको ये भी बता सकते हैं कि इलेक्शन में उन्होंने कैसे वोट किया. But when it comes to the things of God. लेकिन जब ये परमेश्वर की बात ही होती है. I don't want somebody to see me. मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे देखे. I don't want to say amen too loud in church. और मैं चर्च में ज्यादा जोर से आमेन नहीं कहना चाहता हूँ. Somebody might look at me. और कोई मेरे तरफ देखेगा. They might make fun of me. मेरे ठट्टा करेगा. God doesn't need a coward. If you're going to serve God, अगर आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, you draw your sword. तो आपकी तलवार को निकालो. You put your armor on. और आपके आपके ढाल को ले लीजिए. You lift your banner high. और आपके उस झंडे को ऊंचे पे उठाइए. You let the devil know this morning who you serve. और शैतान को आज की सुबह में बताइए कि आप किसकी सेवा करते हो. You can serve whoever you want. आप किसी की भी सेवा कर सकते हो. But as for me and my house, लेकिन मेरे घर की बात होती है. Brother Branham says this. भाई ब्रानम ये कहते हैं. He said God hates a coward. और परमेश्वर डरपोक को पसंद नहीं करता. That's right. I didn't know God hated anybody. और मैं नहीं जानता था कि परमेश्वर किससे नफरत करता है. He said God hates a coward. लेकिन उसने ये जरूर कहा कि परमेश्वर डरपोकों से नफरत करता है. Fear doesn't have one value to it. और डर का कोई मूल्य नहीं है. Amen. Right. Amen. Perfect love casts out fear. और सिद्ध प्रेम उस डर को निकाल देता है. Brother said, I hate a coward. और भाई ब्रानम कहते कि मैं उस द्वेष करता हूँ डरपोक का. He says, and God hates a coward too. और परमेश्वर भी द्वेष करता है उस डरपोक का. Right. You know what he said? और उसने क्या कहा? He says, if a man is afraid when he's been healed to testify. अगर एक मनुष्य अगर वो चंगाई पाने के बाद में अगर गवाही देने से डरता है. If a man is saved, परमेश्वर का एक मनुष्य अगर बचाया जाता है, and he's ashamed to testify, अगर वो शर्म करता है या शर्मिंदा होता है वो गवाही देने के लिए, he said, I don't have much confidence in his salvation. तो कहता है कि मैं मुझे उसके उद्धार के अंदर ज्यादा कुछ भरोसा नहीं है. Amen. Praise the Lord. Right. If you've been filled with the Holy Ghost, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे गए, you're afraid to testify, और आप गवाही देने से डरते हो, he said, I don't have much confidence in your testimony. और कहता है कि तुम्हें ज़्यादा भरोसा मुझे नहीं है. He says, when you really get it, और कहता है कि तुम्हें जब वो सही में असलियत में प्राप्त होता है, when you really get the Holy Ghost, और जब सचमुच में आपको पवित्र आत्मा मिलता है, he says, you tell everybody. और वो कहता है कि आप जाकर सबको बताएंगे. He says, you can't keep still. और वो कहता है कि आप शांत
नहीं सकते Brother Bram said, "You can baptize them forward." और भाई ब्रादम कहते कि आपका बपतिस्मा हो सकता है. You can baptize them backward. आगे की तरफ बपतिस्मा दे सकते हैं, पीछे की तरफ दे सकते हैं. He said, "That don't mean they're saved." और वो इसका मतलब नहीं कि आप बचाए गए. They're a dry sinner. और वो सूखे पापी हैं. They go down. और वो पानी के अंदर चले जाते हैं. They come up. और बाहर आते हैं. They're a wet sinner. और वो बाहर आकर गीले पापी बन जाते हैं. So finally said, "I know what I'll do." और भाई ब्रादम ने कहा कि मुझे पता है अभी से क्या करूं. I'll go start a fire. और मैं एक अग्नि के पास लगाता हूँ. और उसके बाद में कछुआ बाहर निकल गया. हिलना शुरू कर दिया. आपके मध्य में अग्नि आ जाए. He wants to move some of you. आपको किसी को हिलाना चाहता है. Out of depression. और आपको. Out of depression. आपको depression के अंदर से बाहर लाना चाहता है. Out of sin. आप पापों में से बाहर लाना चाहता है. He wants some of you to do something more. और किसी को वो चाहता है कि आप किसी कुछ लोग जाना कुछ उसके लिए किए. He wants you to do more than warm the seat you're sitting on. और सिर्फ आप ऐसे आपने सीट को गर्म करने से भी ज्यादा कुछ करना. He wants you to do more. Do more than carry your Bible. और सिर्फ आपके शास्त्रों को लेकर आना इतना ही नहीं, उससे ज्यादा वो आपसे चाहता है. ताकि आप परमेश्वर की स्तुति करें. ताकि परमेश्वर की आप सेवा कर सकें. और ताकि आपके जो शर्म को छोड़ दें. So many people are ashamed. और कितने सारे लोग ऐसे शर्मिंदा होते हैं. और उनके पास में उनका धर्म होता है. Amen. Amen. There's some good Methodists in this message. और इस संदेश के अंदर कुछ अच्छे मेथडिस्ट भी हैं. Some good Baptists in this message. कुछ इस संदेश के अंदर कुछ अच्छे बैप्टिस्ट लोग भी हैं. There's some good Catholics in this message. इस संदेश के अंदर कुछ अच्छे कैथलिक भी हैं. God wants a lot of fire under us. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारे पीछे अग्नि लग जाए. Amen. Praise the Lord, somebody. Studio. I tell you what. और मैं बताना चाहता हूँ. Brother Brennan said this. भाई ब्रैनम ने ये कहा. He said, "I can show you scientific." और मैं दिखा सकता हूँ कि तत्व ज्ञान से. Anything without emotion is dead. और जो भी कुछ हिलता नहीं है वो मरा हुआ है. Amen. If you don't have any emotion, it's dead. और अगर आपके पास में कोई इमोशन भावना ही नहीं तो आप मरे हुए हैं. Some of you have a religion where you're not allowed to have joy. और कितने सारे ऐसे हैं कि जो धर्म आनंद को महसूस करने नहीं देते लोगों को. Some of you have a religion where you're not allowed to smile. और कितने सारे ऐसे धर्म है जिसके अंदर आप हंस भी नहीं सकते. You're not allowed to have emotion. और आपको ऐसे कोई भावना रखने की कोई अनुमति नहीं होती. Brother Branham said your religion is dead. और भाई ब्रैनम कहते हैं कि तुम्हारा धर्म मरा हुआ है. What you need to do? और आपको क्या करना है? Stop bringing it to church. और उस धर्म को इस कलीसिया में लाने से बंद करो. Don't bring it here. उसको यहाँ पर नहीं ले आओ. Go back. और उसको जाने दीजिए. You dig a hole. और इस गड्ढे को बनाओ. Bury that dead thing in the ground. उस मरे हुए धर्म को उसके अंदर गाड़ दो. Right. Some of you have a funeral today. और कितने सारे लोग ऐसे डरते हैं. For that former religion.
religion in your life. और उस धर्म को आपके जीवन के अंदर आना. You can't even praise God. और उसके वजह से आप